हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स CS6 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग अलग अलग लेयर पे कैसे एनिमेशन करते हैं, टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करते हैं। दो अलग अलग लेयर पे अलग अलग टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करेंगे, यानी कि टू लेयर्स के एनिमेशन कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट CS6 के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले आप टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन में जाएँ, उसके बाद न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करें या कॉम्पोजिशन का नेम दे दें। उसके बाद जिस जिस फॉर्मेट में आपका वीडियो क्रिएट होगा, यहाँ से आप वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, मैंने NTSC DV लिया हुआ है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। करने के बाद आपको क्या करना होता है, मैं हल्का सा एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। नीचे जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, ये लेयर का अलग अलग लेयर इसमें क्रिएट होता है, अलग अलग लेयर इसमें लेयर का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आप एनिमेशन या काम कर पाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये टाइमलाइन विंडो है। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन आप टूल बार में जाएं, मेनू बार के ठीक नीचे टूल बार है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें। हॉरिजेंटल दो टूल्स, टेक्स्ट टूल एक हॉरिजेंटल टाइप टूल, दूसरा है वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल टाइप टूल पे क्लिक करें और एक ब्लैक रंग का आपको आपको एक व्यूअर विंडो जो वर्क स्पेस दिखाई देगा वहाँ क्लिक करें। करने के बाद आपको एक कर्सर दिखाई देगा, वर्टिकल लाइन दिखाई देगा, आप टेक्स्ट टाइप करें। ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। वो राइट हैंड साइड में इसका फॉर्मेटिंग का आपको पैनल दिखाई दे रहा होगा। अब जब टेक्स्ट टाइप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आप टूल बार में जाएँ, यहाँ पे देखें सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें। करने के बाद इस टूल को आप इंक्रीज़ करना चाहें तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि हाँ, एक एंकर पॉइंट है। आप चाहते हैं कि इफ़ेक्ट मिडिल पोर्शन से आए, तो एंकर पॉइंट को हमेशा मिडिल पोर्शन में रखें। तो एंकर पॉइंट को कैसे मिडिल में रखते हैं, उसके लिए आप क्या करें, अगेन आप टूल बार में जाएंगे, एक टूल है जिसका नाम है पैन बिहाइंड, उस पर क्लिक करें और एक हल्का सा आपको राउंड रंग राउंड आपको एक शेप दिखाई देगा, वो एंकर पॉइंट है, उसे आप ड्रैग करके टेक्स्ट के बीचों बीच पे ला के रखते हैं। अब जैसे ही आप टेक्स्ट लिखेंगे, आप लेयर का जो पैनल लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ आप देख सकते हैं पहला जो लेयर आया है वो टेक्स्ट लेयर है। यहाँ लिखा हुआ टी से टी लिखा हुआ, नाम भी देखिए गौतम नाम से, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट भी मैंने गौतम लिखा हुआ है, फर्स्ट लेयर है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। और राइट हैंड साइड में देखेंगे आपका ये टाइमलाइन का विंडो है, यहाँ देखिए टाइमलाइन स्क्रबर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसे एनिमेट, अगर इस टेक्स को मुझे एनिमेट करना है तो इसको क्या करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एंकर पॉइंट करने के बाद अगेन आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लें और टेक्स को बीचों बीच ला के रख दें। रखने के बाद आप क्या करेंगे, लेयर पैलेट में लेयर का जो ये पैनल है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ वन लिखा है, उसका बगल में देखिए एक बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे वो अनफोल्ड हो जाएगा और नीचे देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म लिखा है, ट्रांसफॉर्म पर ये जो बटन दिया है फोल्ड अनफोल्ड के लिए, जैसे अनफोल्ड कर दें। अनफोल्ड जैसे ही करेंगे यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, यहाँ से आप स्केल रोटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो स्केल का जो स्टॉप वॉच है इस पर आप क्लिक करें, स्टॉप वॉच पर क्लिक करें तो की फ्रेम आ जाएगा, यहाँ देखेंगे टाइम लाइन में आपको की फ्रेम जीरो पे आ जाएगा, 0 सेकेंड पे। उसके बाद ये टाइम लाइन स्क्रबर को आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, या 5 सेकेंड तक होगा। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप स्केलिंग इसका कर सकते हैं, टेक्स्ट को आप स्केल इस तरह राइट हैंड साइड में ड्रैग करेंगे, आपका टेक्स्ट देखिए स्केलिंग होगा, इसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, स्केल होता रहेगा, बड़ा साइज आपको दिखाएगा, ये देखिए इस तरह। अब इसे अगर प्ले करना होगा तो प्ले करने के लिए आप देख सकते हैं इस एनिमेशन को, यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रीव्यू का पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर देखें रैम प्रीव्यू, इस पर क्लिक करें और ये देखिए स्केलिंग हो रहा टेक्स, ये देखिए एनिमेट हो रहा, देख सकते हैं आप। और यहाँ आपका टाइमलाइन स्क्रबर भी चल रहा, मूव कर रहा है, जीरो अगेन आप फिर से देखें, ये टेक्स को मैंने एनिमेट किया है। उसके बाद राइट हैंड साइड में प्रीव्यू का जो पैनल दिया है वहाँ पे आप रैम प्रीव्यू पे क्लिक करें और ये आपका एनिमेशन
एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अब हम दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे। तो दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करते हैं ये भी देख लें आप। अगर आप नेक्स्ट, ये फर्स्ट लेयर लेयर पे मैंने गौतम लिखा हुआ, अब दूसरा एक टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन ये ट्रांसफॉर्म का जो पैनल खुला हुआ है इसे क्लिक कर दें या अनफोल्ड हो जाएगा। ये फर्स्ट लेयर पे गौतम लिखा है, अब मैं दूसरा एक टेक्स्ट लेता हूँ। दूसरा टेक्स्ट के लिए अगेन आप टूल बार में जाएँ, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है उस पर क्लिक करें और ठीक अपने वर्क स्पेस पे एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट साइड में लिखा मैंने, इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कुमार कर दिया। ये दूसरा टेक्स्ट मैंने लिखा है कुमार, पहले वाला टेक्स्ट था गौतम, दूसरा टेक्स्ट लिखा कुमार। जैसे आप टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पे देखिए दूसरा लेयर आ गया, यहाँ पे देख सकते पहले गौतम का था, उसके बाद ठीक यहाँ पे वन ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ पे लाने के बाद आपको क्या करना होगा, अगेन आप टूल बार में जाएं और या सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें। करने के बाद आप इसका एंकर पॉइंट के बीचों बीच आपको रखना होगा टेक्स्ट का। तो एंकर पॉइंट को बीचों बीच रखने के लिए आप क्या करें, अगेन आप टूल बार में जाएंगे, यहाँ एक टूल है जिसका नाम है पैन बिहाइंड, उस पर क्लिक करें और ठीक एंकर पॉइंट के बीचों बीच ला के रख दें। रखने के बाद अब इस पर एक दूसरा मैं इफेक्ट देता हूँ। सबसे बेस्ट यही है, जो फर्स्ट जो लेयर पे आपने काम किया था, जो फर्स्ट देखिए यहाँ पे लेयर टू लिखा हुआ है गौतम नाम से है और दूसरा है कुमार नाम से एक लेयर है, तो इस टू पहले वाला लेयर पे लेयर को क्या करें, यहाँ पे देखिए लॉक का बटन दिया, उस पर आप इसे चेक कर दें, लॉक कर दें, ताकि आपका दूसरा वाला लेयर डिस्टर्ब ना हो। तो अब दूसरा वाला लेयर का ठीक उसके नीचे देखें बटन दिया है सेम टू सेम, उस पर क्लिक करें, वो अनफोल्ड हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म का बट टेक्स और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन है, पोजीशन है, तो पोजीशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे वो एक हल्का सा की फ्रेम आ गया ऐसे, और टाइम लाइन स्क्रबर को मैं यहाँ पर ला के रख दिया। रखने के बाद यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, अदरवाइज़ यहाँ पर आप टेक्स्ट को इस तरह ड्रैग कर दें, इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये पोजीशन चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ऐसे जरा मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब ये टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। अब मैं इसे प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो प्रीव्यू करने के लिए अगेन प्रीव्यू का पैनल में राइट हैंड साइड में देखें रैम प्रीव्यू, इस पर क्लिक करें। ये देखिए दोनों एनिमेट हो रहा, देखिए अलग अलग लेयर पे दो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग लेयर पे हम लोग अलग अलग टेक्स्ट लिख के एनिमेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। पहला जो भी आप टेक्स्ट जैसे ही कुछ लेंगे वहाँ पे आपका लेयर ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेयर का जो विंडो का पैनल है वहाँ आपका लेयर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो लेयर लिया हुआ है, लॉक करके काम करें ताकि पहले वाला पे जो भी इफेक्ट आप डालेंगे वो दूसरे वाले पे यूटिलाइज ना हो जाए। तो बेस्ट यही है जिस लेयर पे जब भी काम करें, अगर दो लेयर है तो पहले वाले में जब काम करने के बाद उसे लॉक कर दें, फिर दूसरे लेयर पे काम करें, फिर लास्ट में आप उसे लॉक हटा दें। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, आप चाहें तो इसे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए यहाँ पर जाएँ, यहाँ पे आपका लेयर में जाएंगे, यहाँ न्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लेयर मेनू में, न्यू में जाने के बाद एक सॉलिड है, सॉलिड पे क्लिक करें। अब जैसा आपको बैकग्राउंड पसंद है यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, एम डीप रेड सॉलिड, यहाँ से कलर भी चेंज कर दें, मैंने एक ब्लू कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर दें, यहाँ पर ओके कर दें। यहाँ देखिए पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया। आप इस बैकग्राउंड को आप नीचे भी देखिए, बैकग्राउंड का एक अलग सा लेयर आ गया। देखिए यहाँ गौतम नाम से एक लेयर है, दूसरा कुमार नाम से लेयर है, तीसरा है ब्लू सॉलिड है। इसे आप इसे ड्रैग करके आप स्टिक्स को आप ऊपर भी ले आ सकते हैं, इसे ड्रैग करके ऊपर रख दें इधर, यहाँ से आप इसे ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं टेक्स को। ये देखिए दोनों टेक्स आ गया। तो कुछ नहीं, जैसे लेयर को अप एंड डाउन, तो सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर पे आप देख सकते हो गौतम है, दूसरा लेयर पे कुमार है, तीसरा लेयर पे ब्लू सॉलिड है। लेयर जो बैकग्राउंड का सॉलिड लेयर उसे मैंने नीचे रख दिया। अब आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है,
अब इसे मैं एनिमेट करता हूँ। ये देखिए आप एनिमेशन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ ये एनिमेट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग दो लेयर अलग अलग लेयर कैसे लेते हैं और कैसे उसे एनिमेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।